जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका हॉस्टल आपका दोस्त नुमान मलिक इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लैट रिसॉर्ट में। वुमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत खूबसूरत रंगारंग तक निकात किया गया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और बड़ी खिदमात सर अंजाम दी है वुमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से भी। आइए बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये वुमेंस को एम्पावर करना कितना ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में ताकि एक मुस्तहकम मुआशरा जो है उसकी तश्कीलें नो हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें औरत को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप जैसे आपने एक बात भी मशहूर है कि आप मुझे अच्छी माँ दें मैं आपको अच्छी कौम दूंगा, तो अगर आप औरत को मेन स्ट्रीम से बाहर रखेंगे, औरत को पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग फोरम्स में शामिल नहीं करेंगे तो वो औरत के लिए बेहतरी कैसे आ सकती है। तो हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी है, हमें औरत का जो उसका मुकाम मज़हब भी देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी देता है, उसको उसका वो मुकाम देना होगा और मुल्क और कौम की तरक्की में औरत को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपना हिस्सा डाल सके। सही, ये बताइएगा कि कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा पाकिस्तान, इसमें औरत आज मुस्तहकम है, मजबूत है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए पाकिस्तान तो जितना खूबसूरत है वो मैं कहती हूँ यहाँ के आप मौसम देख लें, यहाँ के आप लोग देख लें, यहाँ की आप सखावत देख लें, क्या क्या मैं आपको बताऊं जो देख लें। और सबसे बड़ा ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ हर मजहब को इजाजत है कि वो अपना मजहब लेकर साथ चले। तो आपका दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल ये कि आज की औरत मजबूत है, ये देखिए आज की औरत उतनी मजबूत अभी नहीं है लेकिन मैं यहाँ की तादाद बैठी हुई आपको ये बताएगी कि औरत बदल रही है, उसकी सोच बदल रही है और वो मजबूत हो रही है। सही सही सही, और इंशाल्लाह वो बहुत मजबूत है, होगी और रहेगी मजबूत।